हे गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बेहद अच्छे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा अनय, हम लोग जा रहे हैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो आज आप लोगों को वैशाली भी घुमाते हैं। वहाँ पे शांति स्तूप है, वहाँ पे भगवान बुद्ध के स्थान है, वो सब हम आपको इस गौतम बुद्ध के करेक्ट आज आप लोगों को घुमाते हैं वैशाली। ठीक है, तो निकल पड़े हैं वैशाली के लिए। सो गाइस, फाइनली हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं और अब हम गौतम बुद्ध के जो जगह है वहां भी जाएंगे। ठीक है, और उसको भी देखेंगे, घूमेंगे। सो ये रहे नज़ारे। मेरा बेटा खेल रहा है, इसकी तो मौज हो गई, आज संडे है ना। सो गाइस, ये रहे नज़ारे। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं राजा विशाल के घर का भग्नावशेष। एक राजा विशाल थे, उनके जो भवन थे उसके ये विशेष है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाहर के नज़ारे। ठीक है बेटा, तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस, अब हम एंटर कर चुके हैं राजा विशाल के घर में। आइए, अब आपको घुमाते हैं। अने बेटा आ जाओ। रुक जाइए, ये रहे राजा विशाल के घर के अवशेष। सो गाइस, अब सही में यहाँ पे अवशेष ही बचे, कुछ खास है नहीं। अब हम यहाँ से चलते हैं शांति स्तूप चलेंगे, और सॉरी शांति स्तूप पहले अशोका पिलर चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे शांति स्तूप। आइसक्रीम क्या हुआ, अब क्या करें? ठीक है, तो चलें। तो गाइस, अब हम अशोका पिलर पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसका एंट्रेंस गेट है। सो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये रहा, हम अंदर घुस चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, और अशोका पिलर को पास से देखते हैं। यह अशोका पिलर है, आप देख सकते हैं। आजा आजा, ओए चलो बाबू। जैसे आप देख सकते हैं, ये उनके अवशेष बचे हुए हैं। ये देखिए, ये अशोका पिलर है, आप देख सकते हैं। ये अवशेष जो बचे हुए हैं, ये गुंबद, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए, ये एक छोटा सा पॉन्ड भी है जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे आप देख सकते हैं, ये तालाब। काफ़ी लंबी दूरी में है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत आज भी उनके अवशेष बचे हुए हैं, जिसको बहुत ज़्यादा बचा के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं।
ये देखिए बेटे के खिलौने हैं, कौन सा चाहिए बेटा? और एक ये जीप चाहिए। ये जीप चाहिए और एक वो गन। नहीं कोई एक ले लो, ठीक है कोई एक ले लो। ये जीप चाहिए, ठीक है एरोप्लेन छोड़ दो, ठीक है अगले बार ले लेंगे। एरोप्लेन भी चाहिए, ठीक। सो गाइस खिलौने हमने खरीद चुका है, अब इसे हम डालते हैं यहाँ। मेरा बेटा बैठा है इधर, ओके। और अब हम चलते हैं शांति स्तूप, बट आई होप अभी 5:30 हो चुका है, मुझे लगता है कि शायद वो बंद हो चुका है, अगर खुला होगा तो वो भी हम देख लेंगे। गाइस मेन गेट बंद हो चुका है, सो हम शांति स्तूप जो है वो यहीं से देखते हैं। शांति स्तूप अंदर एक कंपाउंड, ये तालाब, कुछ छोटे छोटे बोट्स भी चल रहे हैं। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। तो ये शांति स्तूप है, म्यूज़ियम भी दिखाते हैं, पर म्यूज़ियम को तो शायद बंद हुए कुछ घंटे हो चुके हैं। तो गाइस भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा सा अच्छी में कुछ पनीर पकौड़ा खिला दिया जाए। ये चाय बैठ के पकौड़े और चाय का आनंद लिया जा रहा है। ओके गाइस, सो हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।